अब राहुल गांधी संस्कृति यहाँ की तो जानते नहीं ना, यहाँ पढ़े पढ़े तो विदेश में हैं। अब कुंभकर्ण कौन है, कुंभ का है, उनको जानकारी ना होना, या तो जानबूझ करके बोले हैं या सजमान फेसली है तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हमारे देश के जो पढ़ा हुआ नौजवान है उसको सब कुछ मालूम होता है कि कुंभकर्ण कौन है और कुंभज कौन है। राजस्थान के अंदर जिस उदाहरण को लेकर के उन्होंने कहा है, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे SIT घसीट कर दी है जाँच करने के लिए, और जो भी दोषी होगा वो उसको सजा दी जाएगी। और मुझे लग रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। एक जवान हमारे देश का सुरक्षा करते हुए जिस तरह से शहीद हुआ है, उस परिवार के साथ में हम सब लोग हैं और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। देखिए, कल परसों के दिन उनकी एक पार्टी के नेता, पंजाब सरकार के मंत्री चुनावी भाषण कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब शर्म आनी चाहिए, कम से कम सिद्धू पर कार्रवाई करें कि देश में चुनाव हो रहा है और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि राहुल गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, उनके नेता क्या बोल रहे हैं। मैं अभी, आपने भी सुना होगा, राजनीति की गिरावट यहाँ तक आ चुकी है कि पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ पर कटाक्ष किया, फिर उनके पिता पर, और राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी को हिंदू, पता ही नहीं कि हिंदू क्या है। अभी राहुल गांधी को स्वयं सीखना पड़ेगा कि हिंदू रिलीजन क्या है, हिंदू परंपरा क्या है। भारत माता की जय बोलने से उनको, अब वो तो मुझे ना लग रहा है कि ये तो कभी मिल जाए तो उन्हीं से पूछिए। क्योंकि भारत माता का जय बोलेंगे और एक तरफ मंदिर में जाएंगे, एक तरफ भारत माता का जयकारा बोलने वालों को सांप्रदायिक कहेंगे, एक तरफ मंदिर की बात करने वालों को सांप्रदायिक कहेंगे, और एक तरफ जनेऊ पहन करके मंदिर में जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ उनकी जमीन खिसक रही है, वो जमीन कैसे बचे उसकी तलाश में।